आज का टॉपिक है कि हैंड्स एंड फीट जो हैं उनकी टैनिंग हो जाती है, उन पे निशान या दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और हाथों पाँव को जो है वो साफ़ सुथरा और टैनिंग से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपने हमसे क्वेश्चंस करने हैं, अपनी क्वेरीज पूछनी है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी इस इंफॉर्मेटिव चिटचैट का हिस्सा बन सकें, हमें ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ना सिर्फ हमारा जो फेस होता है उसके कलर में हमें एक चेंज फील होता है और हम कहते हैं कि ये डल लग रहा है, बल्कि हमें हाथों पाँव पे भी डलनेस फील होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो नकल्स हैं वो डार्क लगना शुरू हो जाते हैं या हो जाते हैं या सर्दियों के ख़राब हुए हुए होते हैं, और उसके बाद फिर हमें वो गर्मियों में तंग करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो हमने ओपन शूज़ पहनने होते हैं, हाफ स्लीव्स पहनने होते हैं, और फिर हम कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो हैं वो साफ नहीं लग रहे। जो हाथों पाँव की स्किन होती है वो फेस की स्किन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाथ और पाँव की स्किन जो होती है, इवन हाथ और पाँव की स्किन में भी फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसी पाँव की स्किन है वैसी ही हाथों की स्किन होगी। ये मैं आपको बता दूं कि पाँव की स्किन जो है वो निस्बतन ज़्यादा मोटी होती है, और जो हाथों की स्किन होती है वो उससे कंपैरेटिवली कम मोटी होती है। एक और इशू होता है, जो पाँव होते हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट एरिया होता है, तो उस पर अगर चोट लग जाए तो उसका निशान, या किसी भी वजह से अगर पाँव के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे हीलिंग जो है वो स्लो होगी, स्लो प्रोसेस होगा हीलिंग का। लेकिन अगर जो है अगर हाथों पे होगा तो उसमें ये कि कंपैरेटिवली उससे जल्दी हीलिंग हो जाती है। ठीक है। पाँव जो हैं और हाथ जो हैं, सॉरी, जो पाँव होते हैं उसमें हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। एक हमारे हील्स होते हैं, यानी कि पाँव के तलवे होते हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हील्स फट रही हैं, पाँव बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि जो तेज़ गर्म हवा होती है, जैसे ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि स्किन ओवर ड्राई रहना शुरू हो जाती है। इससे पानी की बॉडी में अगर पानी की कमी हो उससे भी यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाहर जो तेज़ धूप होती है, या उसके अलावा हम क्योंकि ओपन शूज़ पहन रहे होते हैं तो जो गर्म हवा होती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ड्राई रहना शुरू हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे होते हैं, बार बार नहा रहे होते हैं, या बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार पाँव धो रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो एक सुकून पहुंचाने के लिए या कंफर्टेबल रखने के लिए, टेम्परेचर कम रखने के लिए बॉडी का, उससे भी जो है वो स्किन ड्राई हो रही होती है। इसमें हमारे पास दो इश्यूज़ होते हैं पाँव में। एक तो जो आपके हील्स होते हैं, जो पाँव के तलवे होते हैं, उनके ऊपर हमें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, और वहाँ से डेड स्किन को हटाने की ज़रूरत होती है। जब तक कि डेड स्किन नहीं हटेगी, आपने देखा है जैसे पपड़ियाँ जमी हुई होती हैं पाँव के ऊपर, उस तरह से बहुत मोटी स्किन जिन लोगों की हो जाती है पाँव के तलवों की या हील्स की, तो उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा होता। वो कह रहे होते हैं कि मैं तो ऑयल भी लगा के मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, वैसलीन भी लगाती हूँ, और भी बहुत कुछ जो है वो मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। ये इसी तरह से ड्राई फटे हुए रहते हैं, यहाँ तक के ज़ख्म भी बन सकते हैं और उसके अंदर से ब्लड भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जो पाँव की ऊपर वाली स्किन होती है उसके और प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि जी जिस शेप का जूता पहनते हैं बिल्कुल वही डिज़ाइन जो है वो हमारे पाँव पे बनना शुरू हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये जो पहला प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा होता है। वो इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि अगर वो मॉइस्चराइज किए बगैर पहनते हैं जूता, तो जहाँ जहाँ रगड़ लगती है वहाँ वहाँ से आपकी स्किन के ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप तंग होते हैं कि जूता किसी और स्टाइल का है और साथ में जो रगड़ से निशान बने हुए हैं वो तो पता नहीं क्या बने हुए हैं, और ये इतना बुरा लगता है, और पाँव जो हैं वो साफ़ लगने की बजाय गंदे लग रहे होते हैं। एक तो ये इशू होता है। दूसरा एक और इशू होता है, और वो ये होता है कि पूरे के पूरे पाँव का रंग जो है वो टैन हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है, काला हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे धूप में संवला गया है, ठीक है, मुरझाया हुआ है, और कलर जो है वो बहुत डल हुआ हुआ है। उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है कि अब इससे कैसे बचें, जूता भी ओपन पहनना है। अच्छा, मैं आपको थोड़े से जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ या जो टिप्स देने वाली हूँ वो क्या हैं।
पाँव की स्किन क्योंकि मोटी होती है और हीलिंग पोअर होती है, तो आप याद रखें कि जैसे हम आपको कहते हैं कि फेस की स्किन के ऊपर एक्सफोलिएट करें और मॉइस्चराइज करें, उसी तरह से इसको भी करना होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो पाँव की हील्स हैं अगर वो फटी हुई रहती हैं, तो आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ये कर लें कि आप गर्म पानी ले लेंगे, गर्म पानी में कोई अच्छा सा शैम्पू डाल देंगे जिसके अंदर पहले से कंडीशनर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पानी में मिक्स कर लेंगे, पानी इतना गर्म हो कि आपको गर्म लग तो रहा हो लेकिन जलाए नहीं और आप अपने पाँव उसके अंदर आसानी से रख सकें, उसके अंदर आप अपने पाँव डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पाँव अंदर ही रहने देंगे, उसके बाद आप पाँव को बाहर निकाल लेंगे और प्यूमिस स्टोन या झावा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको प्यूमिस स्टोन कहते हैं और बहुत लाइट वेट और स्पॉन्जी से जो हैं वो ये अवेलेबल होते हैं, आपने वो लेके अपनी सारी की सारी जो हील्स हैं उनको स्क्रब कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपने धो लेना है पाँव को और फिर आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मॉइस्चराइज करने के लिए अगर आपके पास और कुछ ना हो तो जैतून का तेल पाँव की तलवों पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जिस वक्त आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो फिर फटे हुए नहीं रहना शुरू हो जाएंगे और मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाएंगे वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज डेड स्किन उतर जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि आपने एक्सफोलिएट और किस तरीके से कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका जो एक्सफोलिएट करने का है वो ये है कि आप जो सी सॉल्ट होता है, ठीक है, समंदरी नमक जिसको बोलते हैं, आप वो ले लें और उसके साथ कॉफ़ी जो है वो भी डाल लें, दोनों पाउडर की फॉर्म में होंगे। आपने ये करना है कि आपने हाथ गीले कर लेने हैं और पाँव गीले कर लेने हैं और उसके बाद ये वाला पाउडर उसके ऊपर डाल के और उसकी मसाज शुरू कर दें। आप मसाज करते जाएंगे तो आपकी डेड स्किन जो है वो उतरती जाएगी और उससे आप देखेंगे कि जब आप मॉइस्चराइज करेंगे या कोई क्रीम लगाया करेंगे अपने हाथों पाँव पे तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके हाथ पाँव आपको पहले से बहुत बेहतर नज़र आएंगे। उसी तरह से हाथों के ऊपर भी आप ये एक्सफोलिएशन का प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हैं और हाथों के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो आप पानी के अंदर डाल के शैम्पू और उसके अलावा कोई अच्छा कंडीशनर, बिल्कुल वही वाला स्टाइल जो है वो आप हाथों पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की स्किन निस्बतन कम मोटी होती है पाँव की निस्बत, तो आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप इसके ऊपर प्यूमिस स्टोन या झावा इस्तेमाल करें तो आप बहुत आराम से, बहुत ही हल्के प्रेशर से, बहुत लाइटली, बहुत जेंटली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये जो निशान पड़ते जाते हैं पाँव के ऊपर जूतों के, उसका क्या करना है। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो आपने ये ट्रिक करना है कि आपने जूता कोई भी पहनना हो उससे पहले आप मॉइस्चराइज करेंगे, मॉइस्चराइज करने के बाद कोई 10 मिनट के बाद आपने जूते पहनने हैं ताकि जो रगड़ से, फ्रिक्शन से जो निशान बनने हैं वो कम से कम बन सकें या ना बने। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सुबह के वक्त सिर्फ खाली मॉइस्चराइज़ कर लें, सनब्लॉक चले नहीं भी लगा पाते, अगर आप सुबह के वक्त मॉइस्चराइज़ कर लिया करें अपने हाथों पाँव को और रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी क्रीम जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर आप वो इस्तेमाल कर लिया करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव जो हैं उनके ऊपर टैनिंग नहीं होगी, उनका रंग झुलसेगा नहीं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि तभी आप इन्जॉय, साफ़ होंगे तो तभी आप इन्जॉय करेंगे, अच्छे अच्छे स्लीपर्स, सैंडल्स और जो है वो ओपन शूज़ पहन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाने लगी हूँ वो आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक्सफोलिएशन के लिए जो है वो आपको दिखाने लगी हूँ स्क्रब या फिर पील, ठीक है। ये एक पील है और ये पील जो है ये 8% ग्लाइकोलिक एसिड की पील है और ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें तो भी काफ़ी है। 10 सेकेंड एक पाँव पे, 10 सेकेंड दूसरे पाँव पे और उसी तरह से 10 सेकेंड एक हाथ पे और 10 सेकेंड दूसरे हाथ पे। जब आप इसको जिस तरह से रब करते हैं ना, जैसे स्क्रब लगाते हैं, उसी तरह से आपने इस पील को लगाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्क्रबिंग एक्शन आपने इसको लगा के करना है और उसके बाद आप अपने हाथ धो लेंगे और अच्छा सा मॉइस्चराइज कर लेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आपको पील दिखाई है जो कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा या चलो अगर हफ्ते में भी 1 दफ़ा नहीं कर सकते तो 10 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ रात को लगाने वाली कुछ क्रीम्स। एक तो मैं आपको ये लोशन दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के नकल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं हाथों पाँव के,
तो उनको मैं कहती हूँ या उनको सजेस्ट करते हैं कि ये आप रोज़ रात को मसाज कर लें सिर्फ खाली नकल्स पे, ठीक है, या सिर्फ खाली निशानों पे, पूरे हाथ पे ये मत लगाएं या पूरे पाँव पे ये आप मत लगाएं, या आप रोज़ लगा सकते हैं। इसमें क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड है और बहुत ही माइल्ड सा स्टेरॉइड है, तो जो डेड स्किन होती है वो उतर जाती है। जिस वक्त डेड स्किन उतर जाती है तो आप देखते हैं कि आपके निशान और आपके जो नकल्स डार्क हुए हुए हैं, मोटे हुए हुए हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक और इमल्शन दिखा रही हूँ। ये इमल्शन भी रात को लगाने वाली है, पूरे हाथों पाँव पे नहीं लगानी है। ये भी आप सिर्फ अपने डार्क नकल्स पे लगा सकते हैं, हाथ के भी और पाँव के भी, ताकि वो जो निशान है या जो मोटी डार्क स्किन है वो ठीक होना हो जाए, शुरू हो जाए। जिस वक्त वो ठीक हो जाए तो फिर हम कोई और चीज़ पूरे के पूरे हाथों पाँव के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि पूरे हाथ पाँव साफ़ सुथरे और एक जैसे हो जाएँ। उसके बाद मैं आपको एक और क्रीम दिखा रही हूँ, इसका भी यही पर्पस है। ये क्या करती है, ये भी आपके जहाँ जहाँ पे आपने देखा है नमाज पढ़ने से या ज़मीन पे बैठने से भी वहाँ पे काला और मोटा सा एक निशान बनना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी आप यही चीज़ें यूज़ करेंगे जो मैं अभी दिखा रही हूँ। ठीक है, ये भी आप रोज़ रात को अगर आपके नकल्स डार्क हैं या निशान पड़े हुए हैं हाथों पाँव पे, तो सिर्फ निशानों के ऊपर या सिर्फ नकल्स के ऊपर ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब एक और क्रीम दिखा रही हूँ। ये जो है ये कंबाइंड फॉर्मूला है, इसके अंदर जो है वो दो तीन चीज़ें इकट्ठी डली हुई होती हैं। ये भी आप अपने डार्क नकल्स पे या जो हाथों और पाँव के निशान होते हैं उन निशानों के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी, अब मैं आपको दिखाना शुरू कर रही हूँ जो आप रोज़ रात को पूरे हाथों पे या पूरे पाँव पे लगा सकते हैं वो क्या क्या है। एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको देख लीजिए, इसका नाम है अल्टीमेट स्किन। ये बहुत अच्छी है, ये आप रेगुलर यूज़ रखेंगे इसका पूरे हाथों और पाँव पे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे और एकदम से फ्रेश और हेल्दी लुकिंग रहेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, लेकिन ये ब्राइटनिंग भी करता है। ये आप सुबह के वक्त भी लगा सकते हैं और रात के वक्त भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये ब्राइटनिंग भी करेगा और उसके साथ साथ जो है वो आपके हाथ पांव जो है उनको मॉइस्चराइज भी रखेगा। फिर इसी तरह की एक और चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मॉइस्चराइज भी करेगा हाथों पांव को और उसके साथ साथ जो है वो वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है, ब्राइटनिंग भी करता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है और सुबह के वक्त आप इसको रोज़ लगा सकते हैं, इवन रात को भी लगा सकते हैं। ये आपके पूरे हाथों पाँव पर लगाने के लिए है। उसी तरह से जो है वो मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये आपने सिर्फ रात को लगाना होता है, ये आप सुबह के वक्त नहीं लगाएंगे, सिर्फ रात को लगाएंगे। रोज़ रात को आप लगा सकते हैं, पूरे हाथों पाँव पे भी ये लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ मैं आपको दो मॉइस्चराइजर्स दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं और रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स हैं, सेरामाइड्स के साथ हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो एकदम से सॉफ्ट रह सके। तो अगर आप रात को इनमें से कुछ लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये चार चीज़ें दिखाई थी, अगर आप रात को इनमें से कुछ लगा रहे हैं तो सुबह के टाइम मॉइस्चराइज करने के लिए आप ये वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं, या मैं आपको एक और रिपेयरिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन दिखा रही हूँ। इसके साथ इसमें यूरिया भी है, तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है मॉइस्चराइज करने के बावजूद, वो फिर हम उनको ये 10% यूरिया के साथ मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो सब्सक्राइब वो सॉरी मैंने सब्सक्राइब कर दिया वो जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे ये होता है कि इससे आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एक और बात, अब पेशेंट का जो क्वेश्चन होता है या लोग जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं, क्या मतलब ये जो आपने मुझे ये सब चीज़ें दी थी, मैंने इनको लगाना शुरू किया, मेरे हाथ पांव साफ हो गए, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन फिर मैंने लगाना बंद कर दिया तो ये फिर वैसे के वैसे ही हो गए। देखिए, हाथ और पांव ऐसी चीज़ें हैं जो कि फुली एक्सपोज्ड रहती हैं 24/7। सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, आप ये देखें कि ये हमारे साथ ही रहते हैं हाथ पांव, और हर वक्त एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, कवर तो नहीं होते। अब जब ये हर वक्त एक्सपोज्ड रहेंगे तो एहतियात और इनका ख्याल भी तो हर वक्त ही रखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम एहतियात या ख्याल तो ना करें, लेकिन चीज़ हमें बिल्कुल ठीक चाहिए और वो हर वक्त इस्तेमाल में भी हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे
आप अपने फेस की स्किन का या आप अपने जो है वो बालों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हाथों पाँव को भी प्यार, मोहब्बत, एहतियात और उसके साथ साथ जो है वो तवज्जो की ज़रूरत होती है। और आप बिलीव करें कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और वो हम उससे बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारी नज़र पाँव पे और हाथों पे ज़रूर जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो है कोई बंदा जो है वो अपनी स्किन से, अपने फेस की स्किन से ना पहचाना जाए कि उसकी एज क्या है, तो आप हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एज क्या है। तो हाथों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना, या पाँव का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे फेस की स्किन का होता है। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बताया है कि आप घर में क्या कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको दिखाया है कि आप घर में क्या लगा सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं और किससे आपकी स्किन जो है वो हाथों और पाँव की अच्छी रह सकती है। अब हम आ जाते हैं कि लेट सपोज़ आप ये सब कुछ कर लेते बट उसके बावजूद आपके हाथ पाँव के ऊपर कोई निशान बने हुए हैं या उनका कलर ख़राब हुआ हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हमारे पास आ जाएंगे और क्लिनिक के ऊपर डिफरेंट तरह के जो हैं वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर सिर्फ खाली डार्क नकल्स हैं तो उसके ऊपर हम कार्बन पील से जो है वो डार्क नकल्स को कवर अप कर देते हैं। डार्क नकल्स जब ठीक हो जाएंगे तो आप सिर्फ कोई चीज़ पूरे हाथों पाँव पे लगाना शुरू कर देंगे तो वो सारे एक जैसे और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा जो है वो केमिकल पील्स किए जाते हैं। अगर डार्क नकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड की पील की जाती है। जैसे इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड डला हुआ है इस लोशन में, बट ये बफर्ड है। जिस वक्त हम जो है देखें कि आपकी स्किन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसमें ये होता है कि फिर हम क्लिनिक में जो है वो इस तरह से कर लेते हैं, पील कर लेते हैं। उससे ये होता है कि उससे आपके नकल्स को हम साफ कर देते हैं और बाकी जो रंग उसका अच्छा करना होता है पूरे हाथों पाँव का, वो आप लगा के भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा माइक्रोडर्माब्रेजन होता है जिससे हम डेड स्किन उतारते हैं और उसके साथ ही जो है वो उसके अंदर सिरम इन्फ्यूज़ करते हैं। वो ब्राइटनिंग या वाइटनिंग सिरम्स भी हो सकते हैं, उससे भी आप हाथों पाँव के कलर को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ बहुत दफ़ा कंप्लेन होती है कि हाथ जो हैं उन पर बिल्कुल जैसे ड्राई रहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी लगा लो क्योंकि एज के साथ उन्होंने ड्राई होना ही होता है स्किन में। तो उसमें ये कंप्लेन भी होती है कि बहुत ज़्यादा हाथ पांव जो हैं वो हाथ जो हैं वो ड्राई रहते हैं और इतने ड्राई हाथ हैं उस पर क्या लगाना है, लगा लगा के थक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, ये फिर भी ऐसे ही रहते हैं। तो उसमें हम हाइलुरोनिक एसिड के क्रीम्स भी देते हैं जो आप घर में लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ फिलर भी लगाया जाता है ताकि जो हाथों की झुर्रियाँ हैं वो बेहतर हो जाएं और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है हाथों की स्किन की वो बेहतर की जा सके। इसके अलावा मीज़ोथेरेपी भी की जाती है। मीज़ोथेरेपी में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन इलास्टिन होती है जो कि हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे आपके हाथ जो हैं वो उसकी बारीक बारीक लाइंस, उसकी झुर्रियाँ या अगर रगें ज़्यादा नज़र आ रही हों तो वो आपको बेहतर हो जाएगा। और फिर आपको इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। समटाइम्स ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है हाथों की, कुछ लोगों की होती है, और उसकी वजह से उसके अलावा झुर्रियाँ भी बहुत होती हैं और इतनी पतली स्किन होती है कि उसके ऊपर क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह जो है वो झुर्रियाँ नज़र आ रही होती हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें हम ये करते हैं कि उसमें हम बोटॉक्स की मीज़ोथेरेपी भी करते हैं। वो जैसे सिलवटें निकाल देता है ना, बिल्कुल वैसे ही करता है। तो ये दो तीन तरह की चीज़ें या डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप सो कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप घर में क्या कर सकते हैं, एहतियात क्या रख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके काबू में ये ना आ रही हो ये प्रॉब्लम, तो फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे और डॉक्टर असेस करके आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको बता देगा। लेकिन मैंने फिर भी आपसे कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो डेफिनेटली शेयर किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम क्लिनिक में कैसे ये सब ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हों तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें ज्वाइन कर सकें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।